जय हिंद, जय भारत। दोस्तों सबसे पहले मैं अपनी मातृभूमि को सत सत नमन करता हूँ और बढ़ता हूँ आज की वीडियो की ओर। दोस्तों आज का जो मेरा वीडियो है वो है क्लास 10 से और ये सब्जेक्ट मैथ से है और ये NCERT से है और ये है त्रिकोणमिति का परिचय से। और क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस बार जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसे अच्छी तरह समझिए। यहाँ पे सवाल में कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए कि cot a माइनस cos a बटे cot a प्लस cos a इक्वल टू cosec a माइनस 1 बटे cosec a प्लस 1। दोस्तों इसको हम तीन तरह से सिद्ध कर सकते हैं। पहला, या तो हम LHS और RHS दोनों को एक समान कर दें तो भी सिद्ध हो जाएगा, या LHS को RHS के बराबर कर देंगे तो भी सिद्ध हो जाएगा, या RHS को LHS के बराबर कर देंगे तो भी सिद्ध हो जाएगा। दोस्तों हिंदी में इसको बायां पक्ष कहते हैं और इसको दायां पक्ष कहते हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व और लिखेंगे LHS बराबर cot A माइनस cos A बटे cot A प्लस cos A। इस LHS को हमें इस RHS के बराबर लाना है। तो क्या करेंगे हम, ये जो cot A जो देख रहे हैं आप, cot A का मतलब होता है cos A बटे sin A। तो क्या करेंगे, इस cot A को यहाँ से हटाकर और वहाँ पे डालेंगे cos A बटे sin A। cos A बटे sin A माइनस cos A और इसको भी वही कीजिए cos A बटे sin A प्लस cos A। अब देखिए cos A और cos A दोनों में कॉमन है, इसमें भी cos A और cos A कॉमन है। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये इस रूप में है, देखिए cos A बटे sin A बराबर ये इस रूप में है cos A गुने 1 बटे sin A। तो क्या करना है, अब तो समझ में आ गया होगा ये कॉमन है तो कॉमन निकाल लेते हैं हम, यहाँ पे cos A निकाल लेते हैं दोनों में से, तो क्या बचेगा, ये बचेगा 1 बटे sin A माइनस 1, क्योंकि ये cos A यहाँ आ गया तो 1 बचेगा और बटे इसमें से वही करते हैं cos A निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा 1 बटे sin A और प्लस 1। अब देखिए दोनों में cos A cos A है तो काट दीजिए इसको, क्या बच गया 1 बटे sin A माइनस 1 और बटे 1 बटे sin A प्लस 1। तो 1 बटे sin A का मतलब आप जानते हुएगा 1 बटे sin A जो होता है वो होता है cosec A, cosec A 1 बटे sin A का मतलब होता है। तो क्या करते हैं 1 बटे sin A को हटाकर वहां पर डाल देते हैं cosec A, cosec A माइनस 1 और बटे cosec A प्लस 1। यही तो हमें सिद्ध करना था, देखिए यहाँ RHS में सेम है यही है, तो हमारा सवाल अब बन चुका है और यहाँ पर हम लिख देंगे बराबर RHS और लिख देंगे प्रूव्ड। इस तरह से ये मेरा सवाल बन चुका है, प्रूव्ड हो चुका है और हमें यह जानकर बहुत खुशी होगा कि यह सवाल आप लोग को अच्छी तरह समझ में आया है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए और बोर्ड एग्ज़ाम की बेहतर तरीक़े से तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं आगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।